लिंग की स्वच्छता और इरेक्शन, इसका क्या ताल्लुक है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग बहुत ही आलसी होते हैं, सच में बता रहा हूँ। आलसी कैसे होते हैं कि मतलब जो ऑर्गन का हम रेगुलरली वापर करते हैं उसकी साफ सफाई भी नहीं करेंगे। शादी के पहले या शादी के बाद लिंग की साफ सफाई, लिंग के आजू बाजू के एरिया की साफ सफाई दोनों भी करना बहुत ही जरूरी है। क्या होता है कि लड़का जब उम्र में आता है, मतलब लड़के का पुरुष बनता है, जब वीर्य बनना चालू होता है, तो होता क्या है कि रात में सपने में इरेक्शन होता है, डिस्चार्ज होता है, दिन में भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज हो सकता है, और समझो ऐसा लिंग है उसके ऊपर जो स्किन है, प्रीप्यूस बोलते हैं उसको, तो ऐसे कवर करती है, और वो जो डिस्चार्ज है पेनिस का वो चमड़ी के नीचे जमा हो जाता है, और आप यदि चमड़ी पीछे करते हो तो व्हाइट व्हाइट आपको दिखेगा, उसको बोलते हैं स्मेग्मा। अब ये रोज़ साफ़ करना जरूरी है, यदि साफ़ नहीं किया तो वहाँ सूजन आ सकती है पेनिस के ऊपर, उसके इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लिस्टर्स आ सकते हैं, खाँच खुजली हो सकती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे साफ़ सुफ रखें। कैसे साफ़ करना, लुकवार्म वाटर से, गुनगुना पानी है, थोड़ा सा लुकवार्म वाटर, थोड़ा गर्म पानी लेना, सोप लेना, और पूरा एरिया साफ़ करना है चमड़ी पीछे करके, पेनिस करो, शाफ्ट ऑफ द पेनिस करो, सामने का, पीछे का, फिर स्क्रोटम दो अंडाशय जो है उसको साफ़ करो, एनस के आजू बाजू का, जांग में पूरा साफ करना जरूरी है स्नान करने के समय, कम से कम रोज़ एक बार। तो भी यदि आपको कहीं वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है कहीं से, या कहीं फोड़े आए हुए हैं, कहीं थोड़ा सा पानी निकल रहा है, या कोई स्टिकी है, या कोई बांस आ रहा है गंदी, तो डेफिनेटली उसका इलाज करना होगा और तुरंत डॉक्टर को आपने कंसल्ट करना है। इसमें आपको बाल की भी साफ़ सफाई करना जरूरी है, उसमें आप रेजर शेविंग कर सकते हैं, मतलब सीधा जैसा दाढ़ी करते हैं वो रेजर से आप पूरी साफ़ सफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा, लोग वैक्सिंग करते हैं, मतलब वैक्स अप्लाई करना, वैक्सिंग बोलते उसको, वैक्स अप्लाई करना स्किन को और हेयर्स को पुल करना, वो करते हैं, फॉलिकल के साथ में हेयर को रिमूव करते हैं। कुछ लोग थ्रेडिंग करते हैं, मतलब जो बाल रहता है उसके रूट पर जाना और उसको थ्रेड से, मतलब उसको लपेटना और उसको खींच लेना, तो उसको थ्रेडिंग बोलते हैं, तो वो भी कुछ लोग करते हैं और बाल निकालते हैं। जब आप केमिकल्स लगाते हैं तो हेयर्स में जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स को नष्ट करते हैं और बाल निकल जाते हैं, तो वो है। कुछ लोग ट्रिमिंग करते हैं, मतलब कट करना, बाल पूरे निकालना नहीं, कट करना, ऐसा भी करते हैं। तो ये सब बाल की साफ़ सफाई करना वो ज़रूरी है, और यदि आप साफ़ रखते हैं तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी इरेक्शन कर सकोगे। क्योंकि क्या होता है कि यदि आपका साफ़ सफाई वहाँ नहीं है तो हो सकता है इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आप सेक्स नहीं कर पाओगे। और साफ़ सफाई यदि वहाँ रखते हैं पूरा, तो वैसे ही आपको एक फील गुड आता है। फील गुड कैसा आता है कि आप साफ़ सफाई जब करते हैं तो क्या होता है, बहुत यदि बाल ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो पेनिस उसमें छुप जाता है, फिर लोगों को लगता है कि अपना पेनिस का साइज छोटा हो गया, दिमाग में कीड़ा कांडी चालू। तो साफ़ सफाई यदि किया तो पेनिस भी आपको बड़ा दिखेगा, लंबा दिखेगा, फील गुड भी अच्छा होगा। और वैसे भी इन जनरल क्या होता है कि कुछ कुछ औरतों को अच्छा नहीं लगता है, मतलब उनको दाढ़ी भी बढ़ी हुई है तो वो उनको अच्छा लगता नहीं किसिंग करने के लिए या सेक्स करने के समय, तो उनको बाल अच्छे लगते नहीं है, तो उनको वो भी बाल अच्छे लगेंगे नहीं। और नेचुरली जो औरतें ओरल करती है तो उनको तो ये डेफिनेटली बाल अच्छे लगेंगे नहीं है। तो ये साफ़ सफाई करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम है, स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है, जिसमें सेक्स के ऊपर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू।